हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग सिस्टी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी आए हो कि सब बढ़िया होंगे। सो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम अपने इन कपड़ों के साथ जो कि सेट कर रही हूँ अपनी अलमारी जो भी है, क्योंकि मम्मी ने ना सीधा जो बैग था ना वो सीधा जो ये नीचे वाला जो है ना इसमें ना सीधा ऐसे डाल दिया था कि बाहर कुछ लगे ना, और ये ठंड के कपड़े हैं। मम्मी कह रही बेड में अब नहीं डाल रही, मैं यहीं रख देती हूँ, इसकी जगह बना दी यहाँ पर। तो फिर और मैं यहाँ पर अभी कपड़े देख रही हूँ जो मुझे इस साल निकालने हैं। कल मम्मी ने बहुत सारे कपड़े निकाल ले दे दिए थे, जो भी वो आते हैं जो भी वेस्टेज कपड़े निकालने होते हैं वो सारे निकालते थे, लेकिन अब मेरे रह गए थे तो अब मेरे रह गए, अब मैं अपने सेट करूँगी जो मुझे नहीं पहनने। तो फिर अभी देखते हैं कौन कौन से, क्योंकि सारे मैंने मिक्स ज़्यादा कर रखे थे, अब निकल निकल के आ रहे हैं। और आज सुबह से हमारे यहाँ पे छिपकली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कल ही मैंने एक रील देखी थी कि ना जो रील आती है कि छिपकली आई एम बैक ऐसे करके पहचाना मुझको। तो फिर और आज हमारे घर तो आज जो है ना हमने विंडो ओपन करके रख रहे थे, क्योंकि वो एसी के ना इसी साइड है। अभी ना इस वाली जो विंडो के जो है ना यहाँ पे आ गई थी, तो भी पापा जब काम पे जा रहे थे ना ऐसे ऐसे करके चले गए और वो पीछे चले गए। तो आज हमारा ये पूरा गेट है वो जो है बंद कर रहे हैं, हमने बिल्कुल भी इसे खोल नहीं रहे, नहीं तो वो अंदर ही आ जाएगी। फिर अंदर आ जाएगी तो बहुत सारा सामान वामान हटाना पड़ता है जो कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। तो आज हम घर के अंदर ही कैद हैं, और यहाँ मम्मी बर्तन धो रही हैं नाश्ते के, और यहाँ पर अब मैं अपना काम कर लूँ, यहाँ पर समेट वमेट दूँ सारी सेट। तो ये अभी सारे निकालने के बाद ना अभी फिर ये ऊपर से थैला निकला है जो कि इसमें मैंने अपने मम्मी ने मेरे स्क्रिबल डे वाले दिन के जो कपड़े हैं ना वो डाल रखे हैं इसमें। तो ये संभाल के पूरा थैला में याद रहेगा कि ये जो काल रखा थैला है उसमें स्क्रिबल डे की हमारी यादें रख समय के रख रखी है, जो कि अब मैं सेट कर रही हूँ। मम्मी कह रही है अभी इसी में रख ले, फिर बाद में जब वो बेड वेड खोलूँगी ना तब डाल दूँगी उसके अंदर। तो फिर ठीक है डाल दे। और ये देखो ये मम्मी ने अपनी अलमारी सेट कर ली थी जिस दिन मेरे मम्मी ने मेरे कपड़े निकाले थे ना, उस दिन मम्मी ने अपनी अलमारी सेट कर ली थी। इनके तो सारे वही है कि सारे बाहर ही रहते हैं, मम्मी कुछ रखती नहीं अपना बेड में, मेरे ही जाते हैं आते जाते रहते हैं। यहाँ मम्मी कह रही चीकू, और यहाँ पे मम्मी मुझसे बात कर रही हैं। मम्मी कह रही चीकू खा ले, ठीक है। और अभी मैं सारा फैला के बैठी हूँ, थोड़ा बहुत ही सेट कर। ये बज रहे हैं 5:18 शाम के, और सिस्टी सो रही है और मैंने टीवी देख रही थी। ये है आज अपने लिए चाय मलाई वाली, मैंने इसमें मलाई वाली चाय करी। मैं कहा चलो सो रही है मैं ही बना लेती हूँ, गुरु जी के इधर रख देते हैं और भोग लगाते हैं। तो चाय हम पीते हैं, सिस्टी को उठा रही हूँ, सिस्टी नहीं उठ रही है अभी, तो कोई बात नहीं, आज मैं अपने आप से बना के चाय इंजॉय करती हूँ। तो गाइस अब मैं ही सेट करते करते मैं थक गई थी, तो अब जाके मैं सो के उठी हूँ, 6:15 हो रहे हैं। और उठी भी हूँ कि पार्सल आना था, तो आप यहाँ से तो जा नहीं सकते, देख मतलब देख नहीं सकते, थैले में से लटका नहीं सकते, तो नीचे गई हूँ, नीचे जाके फिर ये पार्सल लेकर आई हूँ। मैं मम्मी से ओपन करेगी, बड़ी दिक्कत हो रही है गेट नहीं खुल रहा, तो पता नहीं कहाँ ही है छिपकली, पूरे दिन ही हो गया छिपकली घर से बाहर हम घर के अंदर। तो बस अभी आई हूँ मैं पराठे बना के, आज ट्राई करे मैंने फ़र्स्ट टाइम प्याज के पराठे, जो कि थोड़ी सी मम्मी से पूछती गई और मैं बनाती गई, तो पहले वाले का सीन अच्छा नहीं था, जो दूसरे बने ना फिर जो बनते चले गए वो थोड़े सही बने हैं, दिखने लायक हैं बढ़िया, लेकिन जो पहला वाला ना वो तो उन्हें नीचे छुपा रहे गए, वो नहीं दिखाने की। तो अब मैं खाऊँगी, टेस्ट करके बताएँगी मम्मी कैसा बना है, अभी इनको टेस्ट कराऊँगी। और इसमें बताया कि फायर गन भी इसी में ही होती है, और जो कलर वाली होती है ना वो भी इसी में लगती है। चलो हमारी गन आ गई है इसमें, और हम कलर इस वाली होली में करेंगे। और जो कि हमारे कितने बजे 12:30 बज रहे हैं, क्या चीज़ है मम्मी? अच्छा तो 12:15 बजे हम पापा का वेट कर रहे थे, हम लेट भी गए थे, और शायद से मुझे ना भूकंप जैसा भी लगा था कि भूकंप आया है। मम्मी रोज़ रिबन खोलती हैं,
मम्मी सोई थी, मैंने उठाया कि मम्मी भूकंप आ रहा है। मेरे को आंख लगी एक से इतनी देर से नींद आ रही थी, डर करते करते आंख लगी ना, मुझे भी डरा दिया भूकंप आ रहा है। लेकिन सही में आया था लाइट, वैसे हम छुपकली के कारण आज गेट भी खुला सारे दिन। हाँ अब पता नहीं आया होगा तो कह नहीं सकते, मुझे तो ऐसा लगा कि आया है। तो आज मैंने और मम्मी ने लगा रखा है सर में तेल, जो कि सुबह सर धोएंगे। मेरे सर में पूरा रंग कर दिया था अज्जू ने, आज पूरा रूप में रंग लग दिया गाते हुए। फुल रोज होली खेल के आ रहे हैं। ये जो पिछली साल आए थे ना, ये एकदम ही ज्यादा हर्बल थे। ये देखो हर्बल नहीं है, हमने इस बार हर्बल नहीं मंगवाया। तो ये हर्बल कुछ ज्यादा ऐसे आ गए थे जैसे पाउडर, एकदम लाइट कलर। अब की मैंने डार्क कलर मंगवाया। अभी पापा कह तो रहे कि हाँ भाई डार्क निकलेंगे तो डार्क ही निकलने चाहिए। कल मम्मी पूजा करने भी जाएंगी ना, तो फिर उसमें मम्मी खोल के देख लेना, पता चल जाएगा। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो ये है नेक्स्ट डे और आज है छोटी होली। सबको छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का दहन सबका बढ़िया हो। मम्मी अभी पूजा कर रही है। मैंने आज दोनों काना को नहला दिया, दोनों को एक जैसा पिंक बनाया है। और कि होली पे नहाना है तो मम्मी ने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले इन्हें नहला दे। मैं ठीक है नहला देते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके हैं। सुबह 8 बजे मम्मी ने सारा काम कर दिया था। ये गेट खुला है, सबसे इम्पोर्टेंट काम करवाया हमने कि गेट खुलवाया है। वो जो छिपकली थी ना यहाँ पे, वो वैसे गायब थी। मम्मी को एक चीज थी जो कि उसकी वजह से डाउट हो रहा था कि वो छिपकली है आज भी। तो फिर पापा ने देखा ना उसे, तो छिपकली नहीं थी। तो आज हम आज़ाद हैं, थोड़ा सा घर के बाहर आ चुके हैं। हवा इतनी तेज चल रही है कि जो मम्मी ने तो ऊपर का गेट खोलिया है, ऊपर से पूरा कूलर जो कहते हैं ना वो बन गया, जो कि इतनी तेज सारे जो फूल रखे हुए हैं ना सारे अंदर। सही है, तो अंदर आए भगवान, आए तो फूल के अंदर आए। हाँ और यहाँ पे सारे क्या कहते हैं, हवा ही हवा। देखो और मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, करके देखा। हाँ मैंने और ना कल के लिए भी फूल मंगा लिए हैं। कल हमारे काना जी फूलों की होली खेलेंगे ना। नहीं नहीं ऊपर का गेट इतनी देते बंद हो रहा था, मैं ऊपर का गेट भी लगा के आई। तो सुबह से पापा गए हुए थे क्योंकि आज उन्हें टाइम मिला कि सामान लेकर आना होली का। तो फिर ये भी 2 थैले लेकर आए, तीसरा मैंने अभी पकड़ा जीने पे, साथ सारा सामान आ गया होली का सामान। हैप्पी होली। टाइम ही नहीं मिल रहा था पापा को ना, तो अब आए। सभी को राम राम, जय श्री श्याम। सबकी होली अच्छी रहे, बाबा श्याम की कृपा से पर बरसे, जय श्री श्याम। तो देखो पापा मम्मी ने पूजा वूजा सब कर लिया, फ्री बैठी है मम्मी। अच्छा फ्री बैठी है, मुझे पूजा करनी है, देख रही है करने जा रही है। तभी पूजा करेंगे, अभी एक पूजा करनी है। तो पापा जाओ फिर, आपके बाद मेरे को भी नहाने जाना। ये आ गई है बल्ले, और ये है दही, और हरी चटनी और लाल चटनी मैं बना लूंगी अपने आप। ठीक है चिरंजी, घी आ गया। मैं तो लाइन चटनी का सामान कैसे बनाऊंगी। नहीं नहीं मैं रखा है, गुड़ भी रखा है, इमली भी रखी है, सब रखा है। मैं सोच रहा था बनी बनाई ला दूंगा तो बढ़िया रहेगा। ना 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 नहीं, अब की मेरा कमांड है, सीख लिया मम्मी ने, सीखा है। ठीक है, और ये कलावा आ गया, ये आ गया, सब आ गया। ये बिटकल की माला वगैरह सब आ गई है होली की शाम की, है ना। ठीक है, ये माला, ये बिटकल की माला, ये तुम्हें साथ बोली थी। ठीक है, ये मेरा सामान है, अगले नहीं। चॉकलेट लगी आपको? ये छिपकली ने कल हमें बहुत परेशान करा था, लेकिन इंतजाम है। हाँ चलो, क्या क्या बन गया मम्मी? पुए बन गए, सफेद चावल बना दी पूजा के। ये देख हलवा, हलवा बन गया, हलवा बन गया। इधर आलू गल रहे हैं, इधर पूड़ी का आटा गल रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया, बस मैं भी नहाने जा रही हूँ। हाँ इस पे नहा के आएगी, पूड़ी भी बन जाएगी। ठीक है, तो गाइस मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और जब तक मैं नहा के आई हूँ ना, तो तब तक पापा ने पूजा करी है और मम्मी का खाना बन गया है। बस सब्जी रह गई है, अगर वो एक गैस खाली होती ना तो बन जाती।
शाम तक की पूरी बना के रख दी ना। अच्छा हाँ, ये भी है और वो भी है। हाँ। फिर मम्मी शाम को बनाएंगी गुजिया। अभी एक तलवार मेरे सर पे झटेंगे, दूसरी उठांग दे। आराम से बनाऊंगी रात को बैठ। हाँ, आराम से थकावट कर जाएगी मेरी। और क्या, रात में बनाएंगे। बनाएंगे मतलब मिलवाना भी। वही तो बनाएंगे। हाँ देखते हैं कितना बनाएंगे। आप बना देते ना तो हम बना देंगे। बनाओ आज बाप बेटी बनाओ दोनों। मम्मी नहीं ऐसे नहीं होता, देखा ना कल मैंने प्याज के पराठे बनाए। अच्छे बनाए। अब जाकर हम नाश्ता बोलो या खाना बोलो वो हम खा रहे हैं। कितने बजे? 2:30 बज रहा होगा शायद, देखिए मोबाइल। हाँ 2:37 समथिंग हो रहे हैं। हाँ यही हो रहा है। तो अब हम जाके आराम से रिलैक्स हुए हैं। मम्मी रिलैक्स हुई है, हम तो रिलैक्स हो ही पड़े थे। तो यह पूजा की तैयारी हो रही है, जो कि मम्मी चल रही हो नहीं पूजा, पापा मैं पैर धो रही हूं मुझे ना। तो ये पूजा की थाली तैयार कर दिया और पूरा बादल जैसा मौसम हो गया। 4 बजे, 4:30 बजे से पहले पहले पूछने हैं, तो इसलिए हम 3:30 बजे जा रहे हैं, क्योंकि भद्रा का वो है। तैयार। तो अंधेरा हो चुका है और मम्मी अब बना रही हैं गुजिया। खोया गरम हो रहा है और ये सारे चीज निकाल के रख लिया, फिर तो डालेंगी मम्मी तो गुजिया बनाएंगे। अब मैं जा रही पूजा करने के लिए। मम्मी एक मिनट, भद्रा में पूजा कर सकते हैं? और क्या, कुछ कम सुना हवन थोड़ा कर रहे हैं, घर का तो कर सकते हैं, वो लोग घंट थोड़ा लग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ हो रही है अब गुजिया बनने की तैयारी, जो कि पापा मैदा गूंद रहे हैं और यहाँ मम्मी ने इसकी स्टफिंग फीलिंग जो भी होती है वो बना ली है, जिसके अंदर भरेंगे एकदम परफेक्ट। हमने थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख लिया। आज ऐसी गुजिया बनाऊंगा मैं कि हलवाई भी याद करेंगे कैसी गुजिया बनाती। आज ऐसी गुजिया बनाऊंगा कि चार के हलवाई भी सोचता रहेगा कैसे बनाते। नहीं, अगली होली पे इनके पास ऑर्डर आएगा। अभी होली पे ऑर्डर तो बहुत आते हैं, वो तो वहाँ पे काम दूसरा है हमारा, लेकिन आज हम मूड है हमारा गुजिया बनाने का, तो मूड है बना रहे होली पे। कभी कभी मूड बनता है। सो गाइस 8:30 हो रहे हैं और हमारी गुजिया बननी शुरू हो गई है, देखते हैं कितने तक बनती है। और अभी मैं थोड़े से ना बलून्स भी मार के आई हूँ, मम्मी खड़ी थी और यहाँ पापा एक कह रहा अरे सुबह ही खेल लेना, इससे पूछ सुबह आएगा तू। अच्छा खासा मैंने उसको ना जाने दिया था, ऊपर देख रहा था वो, तो मैंने उसको अच्छा कहा था कि इसे शक ना हो ही चला जाए, और जब वो इसी गली से आया तो फिर वो कैसे सुना जा सकता है। तो फिर जाते कल खेल लेना, अभी से पूछो तू कल आएगा। मम्मी ना हाथ से गुजिया बनाना चाह रही हैं, देखते हैं सक्सेसफुल हो पाती हैं कि नहीं। देख ऐसे करके ना करते थे, ये जैसे ये है ना, ये मम्मी इसमें भरो भी तो सही। अरे ये वो खराब हो गई तो बिल भी तो जाएगी खुल के। अच्छा हेलो ही बोलूं मैं, ऐसा ऐसा लग रहा है खुल जाएगी। आरसी वाला ऐसे बनता है, बन गई देखो। अब तो मम्मी मोटी मोटी हो जाएगी, तो ये तो बनती थी ऐसी बनती थी। देखो पापा ट्राई करेंगे? नहीं मैं नहीं करूँगा। हाँ पापा ने फर्स्ट ट्राई करी, बहुत अच्छी बनाई थी। बोल दी इसमें हवा भर गई थी ना, हवा भर गई थी इसमें। अभी तक ओपन नहीं करी है इन्होंने। वाओ तालियां। सो गाइस रात के बज रहे हैं 10:22, 10:30 होने वाले हैं, और हम तीनों ने मिलके गुजिया बनाई और सारी बन चुकी है। मम्मी ट्रे में ले जाके अब इसे तलने के लिए लेके जा रही हैं, और जो मैदा बची थी ना एक्स्ट्रा, तो उसके मम्मी ने नमक पारे बना दिए, तो ये भी साथ साथ तल जाएंगे। और
और क्या ही बताएं हम। हाँ, साथ ही साथ मैंने ना चावल बना दिए थे चढ़ाने के लिए, जो कि पापा ने बोला था आलू की सब्जी बनी थी ना उसके साथ में चावल खाऊंगा, तो चावल बनाए हैं। यहाँ पे आलू की सब्जी गर्म हो रही है तो फिर खाना भी हम खा ही लेते हैं, बस ये फ्राई हो जाए फिर गर्मा गर्म मुझे भी दिखाएंगे। और 11:30 बजे हैं, 11 बजे का टाइम था मम्मी, 11:30 का था, 11:30 बजे का होली का दहन का टाइम भी है, जो कि हम मैंने फिर छत पे भी करनी है, छत पे बनाएंगी मम्मी और फिर करेंगी। अभी इसलिए नहीं लगाई ना, फिर वो लग रहा था क्या कहते हैं भद्रा का, भद्रा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, अभी तुरंत ही लगा देंगे। हाँ, जब तक पापा लेकर जाएंगे, लेने जाएंगे मतलब लेकर आएंगे, तब तक मम्मी बना देंगी, है ना। भुजिया तल गई, बस नमक पानी रह गए। ठीक है मम्मी, हमने तो खाना खा लिया, आप रह गई हो। और ये मैंने अरे कहीं फेंक तो नहीं दिया, ये रहा। ये मैंने लाल चटनी बनाने के लिए इमली भी बोल रही थी बड़े दिन। तो ये नमक पारे बन चुके हैं रेडी और हमारी गुजिया भी तैयार, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या कर रही हो मम्मी? वो लाल चटनी बनाने जा रही हूँ, इसको हींग के पानी में डालूंगी। ठीक है, तो मम्मी ना मीठी चटनी ना भूल गई है थोड़ा सा, बाहर से बड़े मंगाते हैं, मौसी से पूछ के ना, ड्राई फ्रूट वाले अलग मिलते हैं और वैसे वाले अलग मिलते हैं। तो यहाँ मौसी का फोन आया हुआ, मम्मी उनसे रेसिपी भी पूछ रही है, चटनी बनाएंगी। हाँ, तोल के देते हैं, देखो फुल बातचीत। तो यहाँ मम्मी ना होली का माता बना रही है और पापा ने अभी आँच लेकर आए हैं क्योंकि होली का दहन हो चुका है, तो वहाँ से लेकर आए हैं थोड़ी सी, ये भी करके आए हैं। ज्यादा नहीं दिक्कत जाएगी, ठीक है, चलेगी भी, थक गए। तारी को छू ले, हां दरवाजे पे दीवार हाथ चल देता है मेरा। हां तो अभी लाइट कमी है ना, तो यहाँ से फ्लैश लाइट ले रही हूँ और यहाँ से फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ मम्मी लकड़ी वकड़ी भी उन्होंने ऐसी करी है। हाँ, अभी इधर डाल दो, लकड़ी डाल दो, वो ना। तो होली का माता हो गई है, मैं बस घी लेने ही गई थी, उतने में हो ही गई। मम्मी पूरी कॉल ग्रुप कर रही है, वीडियो कॉल पे दिखा रही है सारी मौसियों को। और यहाँ पे हमारी होली का दहन बहुत बढ़िया हो चुकी है और जो कि 12 बजे से पहले पहले हो गई है। मम्मी कह रही नाचो। तो गाइस 12 से भी ज़्यादा हो चुका है और मैंने अब जाके ना खाना को भोग लगाया है, गुजिया का और नमक पाए का जो भी बनाया है, और अब इनको ना सुला दूंगी, बस 2 मिनट के लिए और चलेंगे। तो होली का दहन भी करना था जिससे नहीं सुलाया अभी, बाकी मम्मी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। और चटनी, मम्मी चटनी बनी कि नहीं बनी? बजा दूँगी, अभी नहीं आ रही ना, कर लूँगी। ये तो भिगो दिए मैंने, बड़े भिगो दिए हैं और ये बस छोटे चटनी रह गई है। तो हम गुजिया टेस्ट करके देख रहे हैं कैसी लगी पापा। मीठा, मम्मी पूछिए मीठा कैसा है। मैम नमक पारा ट्राई करा भी। नमक पारा ट्राई करा उन्होंने पहले, अब हम खाएंगे। वैसे एक भी मम्मी की गुजिया ना ही फटी ना ही कुछ हुआ, सारी बढ़िया जैसे हमने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई हमने, मम्मी ने, पापा ने। मीठा ठीक है, ठीक है मम्मी मीठा बढ़िया। सिस्टी ने पहली बार बेली थी, वो क्या कर रही थी, भरी थी, मतलब गुजिया बनाई थी। हाँ, तो एक भी नहीं फटी, सही है, पास हो गए हम सब मेहनत बस तो। मम्मी ने इमली की चटनी बहुत बढ़िया बना दी है और एकदम वैसी खुशबू आ रही है, पता मम्मी कलर भी अच्छा है ना। हाँ बस वो ना सुबह हरे धनिया की बना दूंगी, हो गया बढ़िया बना ली। तो यहाँ रात के ना 1 बज गए हैं और 1 बजे मम्मी ने सारा काम कर लिया है ना, चटनी वटनी सब बना लिया है, कल सिर्फ इंजॉय करेंगे, इंजॉय।
तो 1:15 बजे मम्मी मेरे सर में तेल लगा रही है, कह रही है कल तू जानबूझ के लगवाएगी नहीं तो सच्चा मैं आज ही पकड़ के लगा दूँ। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था, आज ही सिर धोया था, कल भी तो धोना पड़ेगा, घर रंग मंग चला गया तो फिर भी आज लग गया। बताओ इतनी जल्दी बचपन वाली हरकत कर दी आपने मेरे साथ। बचपनी अभी खुद भी लेके बैठी है अपना सर, अभी खुद भी लगाएंगी। बड़ी दिक्कत है इन्हें, होली वाले दिन है, तेल वाले बाल चाहिए सबके। उन्हें बोला जाओ तो मत लगा देना कहीं मैं एकदम चम्पू लगूँ होली वाले दिन। इसी के साथ करते हैं हम इस ब्लॉग का यही एंड। अगर आपको हमारा ये होली का दहन वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको साइंस से मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलेंगे कल होली के दिन।